हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। और गाइस, अभी तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल से अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाइए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है स्कॉलरशिप के ऊपर, कौन फॉर्म भर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा अभी जो मेन रीजन चल रहा है वो ये है कि 2021-22 वाले जो भी स्टूडेंट वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। बिकॉज उनका कारण उनका ये है गाइज, कारण ये है कि उन्होंने पहले एडमिशन ले लिया था और कई सारे स्टूडेंट का अब एडमिशन हुआ है, लेट एडमिशन हुआ है, इसलिए उनका जो है पहले, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ चुकी है 2021-22 वाले सेशन की। लेकिन अब जिनका लेट एडमिशन हुआ है वो अगर फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं तो ई मित्र वाले या तो मना कर दे रहे हैं या फिर पोर्टल पर वो जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है तो देखिए, आज मैं आप लोगों को पूरा आप लोगों का जो है डाउट यहां पर क्लियर कर दूंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं कि कैसा क्या दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आओगे, अब मैं आप लोगों को नोटिस बता देता हूं। सबसे पहला नोटिस मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, राजस्थान सरकार की तरफ से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग की तरफ से ये, और ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, 16/6/2022 को ये नोटिफिकेशन डाल दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी भी कई सारे स्टूडेंट नहीं भर पा रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। अब क्या देखिए, यहां पर जो भी आप लोगों को यहां पर दिखेगा, शैक्षणिक सत्र 2022-23, अब यहां पर लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 वालों के लिए फॉर्म है, लेकिन 2021-22 वाले इस फॉर्म को कैसे भरेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2021-22 वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां पर 2022-23 दिया गया है, लेकिन 2021-22 वाले भी इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के मूल निवासी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह, योजना पूर्व में विशेष पिछड़ा हुआ वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमुक्त और अर्ध घुमुक्त, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक्स, ये उच्च जो आप लोग यहां पर देखिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, और इसके साथ आप लोगों को यहां पर इस तरीके से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर दे रखी है। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूं, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा नवीन पंजीकरण पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठ्यक्रम अनुसार फीस स्ट्रक्चर अध्ययन के लिए 15 जून 2022 ये निर्धारित की गई थी इसकी डेट। उसके बाद में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 1 जुलाई डेट बताई गई थी। मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, मतलब 11 जुलाई को, ठीक है ना, ये वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत पहले इसका चालू हो चुके थे फॉर्म, अभी लेट आए, मतलब 1 तारीख को कहा था, 1 तारीख को फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए थे, ठीक है ना। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन, इसमें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ओनली आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, आप लोगों की छात्रवृत्ति आ जाएगी। स्ट्रक्चर अध्ययन करने हेतु अंतिम तिथि, पोर्टल की अंतिम तिथि कितनी है, 31 जुलाई तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसकी डेट और आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन पूरा पक्का मैं 100% श्योर नहीं कर रहा कि आप लोगों अभी मत भरो इसका फॉर्म, जो भरना चाह रहा है वो भर सकता है, क्योंकि इसकी डेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी डेट बढ़ सकती है, ठीक है ना। बाकी मैं आप लोगों को वीडियो लाता रहूंगा, अगर आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट मिलता रहेगा तो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों की छात्रवृत्ति कहीं ना कहीं अटक सकती है। आय की सीमा आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए नियमानुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और दिशा निर्देश क्या है, जैसे आय की जो सीमा है, देखिए अनुसूचित जाति एससी के लिए, अब आप लोग जाओगे ना जैसे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां पर एससी वाले फॉर्म भर रहे हैं, बाकी जो भी इतने स्टूडेंट है ओबीसी बीपीएल के जो भी अंदर आ रहे हैं वो फॉर्म नहीं भर पा रहे, इसका भी एक रीजन है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। अनुसूचित जनजाति एसटी के और ईबीसी, ठीक है ना, एसबीसी, ईबीसी, ईबीसी का मतलब डॉक्टर अंबेडकर, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और ओबीसी डॉक्टर अंबेडकर, विमुक्त, घुमंड, और ये इस तरीके से है डीएनटी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2.50 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाले परिवार विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जिसका कि 2,50,000 रुपए
लाख 2,50,000 रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए, एक साल में 2,50,000 रुपए से कम आय होगी तो वो इसको क्या कर सकेगा, फॉर्म भर सकेगा। कौन कौन सी कैटेगरी में, SC ST OBC EBC और SBC वाले इसको भर सकेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पिछड़ा, ये यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे BPL कार्ड धारक पुत्र पुत्री अन्योत कार्ड धारक पुत्र पुत्री स्टेट BP और कार्ड धारक पुत्र पुत्री अनाथ बालिका बालक और पुत्र तलाकशुदा महिला स्वयं तलाकशुदा महिला की पुत्र पुत्री विशेष, ये सब इसको भर सकेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर इसके कुछ वो दे रखे हैं, देखिए कि छात्र छात्रा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद के पास होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले, जो भी भरना चाह रहा है उसके पास में एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन हो पापा का हो किसी का हो चलेगा, ठीक है ना। खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, खुद की एक SSID भी होनी चाहिए जिससे कि आप लॉगिन करके फॉर्म भरोगे, ठीक है ना। SSID कैसे बनानी है कमेंट करोगे तो बता दूंगा कैसे बनाते हैं। दस्तावेज के लिए आप लोगों को क्या क्या चलेगा, तो जैसे कि आय का मूल विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिकाएं, गत वर्ष की अंक तालिकाएं मतलब 10th 12th की बस लगेगी और किसी की नहीं लगेगी, मतलब फर्स्ट से और 10th मतलब 9th तक की किसी की नहीं लगेगी, ओके। ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है आप लोगों के पास में तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो रंगीन प्रिंटआउट निकलता है उसको निकलना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा और उसको अपलोड करवाना पड़ेगा। अपलोड करवा सकते हैं ऑनलाइन, आप लोग अपलोड करवाएंगे उनको, ठीक है ना। इसके अलावा जनाधार कार्ड, जनाधार आईडी और आधार नंबर के अभाव के विद्यार्थी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। अगर आपके पास में जनाधार कार्ड आपका नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, जनाधार कार्ड में आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है और अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, मतलब कि आधार कार्ड का नंबर सिंपल है कि आधार कार्ड नहीं है, तो आप लोग फिर जो है ये छात्रवृत्ति नहीं ले पाएंगे। और विद्यार्थी का बैंक विवरण क्या होगा, तो देखिए मैं पहले मैं आपको सारी ये चीजें बता देता हूँ, उसके बाद में फॉर्म की बात करेंगे। छात्रवृत्ति आवेदन में विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, खुद का खाता होना चाहिए बैंक में, ठीक है ना। अन्यथा छात्रवृत्ति राशि जनाधार कार्ड के अंकित परिवार के मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। या तो खुद का खाता होना चाहिए, नहीं तो जनाधार कार्ड में आप लोगों का जो भी मुखिया होगा उसके खाते में आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है ना। विद्यार्थी द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार होना चाहिए, जैसे कि विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ट अकाउंट हो, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है वह बैंक नियमों के अनुसार यानी कि KYC उसकी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल अब आप लोगों का खाता अगर एक बार बंद हो गया उसकी आप लोगों को EKYC करवानी पड़ेगी, पहले बाहर जाके मित्र पे, फिर अंदर आप लोगों के बैंक में उसके KYC करेंगे तभी आप लोग बैंक से लेन देन कर सकते हैं, बाकी आप पैसा डाल सकते हैं बैंक में निकलवा नहीं सकते अगर आपकी KYC नहीं है तो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। छात्र के खाते में लेन देन भी बैंक निर्धारित समयांतराल में छात्र हो, और यह है कि उसकी लिमिट होनी चाहिए कुछ मतलब खाते की, बैंक खाता बंद ना हो, अर्थात बैंक नियमों के अनुसार नियमित राशि बैंक में जैसे 1,000 रुपये निजी बैंक में और 5,000 रुपये समय उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब बैंक में कुछ पैसा वैसा होना चाहिए, यानी कि खाली बैंक मतलब खाता है आप लोगों का, ठीक है ना। बाकी और कोई भी अगर आपको दिक्कत आएगी ना तो आप लोग मुझे जो है, अब यहाँ पर आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आएगी ना तो आप लोग मेरे नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को मेरे नंबर दिख रहे होंगे, मैं बोल भी देता हूँ 9828306559। अगर कोई भी दिक्कत आए स्कॉलरशिप के बारे में आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पहले आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज का अगर रिप्लाई नहीं मिलता आप लोगों को मतलब 2-3 घंटे के अंदर, तो फिर आप लोगों को, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक मैं कॉलेज में रहता हूँ, तो 4 बजे बाद ही मैं आप लोगों को मैसेज सीन करूँगा। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों का मैसेज सीन नहीं किया किसी कारणवश तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हमारा जो ये चैनल है द साइंस क्लब दौसा, इसको सब्सक्राइब किया होना चाहिए, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है द साइंस क्लब दौसा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होना चाहिए, तब आप लोग मेरे पास कॉल करोगे तो टेक्निकल टीम आपका कॉल जल्दी अटेंड करेगी, क्योंकि जब भी कॉल आएगा सबसे पहले टेक्निकल टीम के पास आएगा, टेक्निकल टीम ही मुझे बात करवाएगी, पहले तो टेक्निकल टीम ही आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो संभाल लेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम सर से बात करें तो आप लोग मेरे पास भी आप बोल दीजिएगा कि हमें एक बार देवेंद्र सर से बात करा दिए, देवेंद्र भाई से बात करवा दीजिए, हम आपकी बात हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को मैंने नंबर बता दिए, आप लोग वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।